भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन भी जारी है और प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर महिला रेसलर के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। साथ ही महासंघ के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती है तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे और किसी भी इवेंट में कोई भी एथलीट हिस्सा नहीं लेगा। वहीं धरने पर बैठे पहलवानों को दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट का भी समर्थन मिला है और विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने ट्वीट किया है, हमारे खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारे पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर उत्पीड़न के जो आरोप लगा रहे हैं वो बेहद गंभीर है और केंद्र सरकार अपनों को बचाने की बजाय इस शर्मनाक घटनाक्रम की जांच कर अध्यक्ष को बर्खास्त करें और यही पूरे देश की मांग है। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने इस मामले पर कहा, मैं सदस्यों के साथ पहलवानों के वर्तमान मामले में चर्चा कर रही हूं और हम सभी के लिए एथलीटों का कल्याण और भलाई आईओए की सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम एथलीट से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आएं और अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखें और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी जांच सुनिश्चित करेंगे। खबरों के अनुसार खेल मंत्रालय की तरफ से बृजभूषण सिंह को महासंघ अध्यक्ष पद से एक दिन में इस्तीफा देने को कहा है। बताया जा रहा है कि मंत्रालय की तरफ से फोन करके उन्हें निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। चंचल जी, आप मुंह में शब्द डाल करके जो है न्यूज निकलवाना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि मैं 5 बजे के पहले नहीं बोलूंगा, मुझे व्यवस्था देखने दीजिए और तब तक जो है आप जो खिलाड़ी बाहर के आए हुए हैं हरियाणा के उसमें सबसे ज्यादा हैं और राज्यों के खिलाड़ी हैं उनसे अनुभव शेयर करिए कि सांसद जी कैसे हैं। सुविधा देखिए यहाँ की, फिर बात करिए। जबरदस्ती लोग ले रहे हैं, फिर लगा दे लोग ये तो बल्गेरिया में आप सेम होटल में रुके थे, बल्कि ऐसा अलाउड नहीं होता, रूल्स के खिलाफ है। देखिए रुकने की व्यवस्था हम नहीं करते, रुकने की व्यवस्था आयोजक करता है और एक एक देश की टीम को एक एक जगह रुकाता है, ये हमारी व्यवस्था नहीं है। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला था, खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। और अब आप सब पूछ लेंगी। अरे सर बता दीजिए, बात नहीं है। नहीं भाई, अब मैंने बोल दिया है, जो बोलना था बोल दिया है, अब मेरे लिए कुछ रहने दीजिए। जो बैठक अयोध्या में होनी थी वो होगी, ऐसी होगी, परसों होगी, 22 को। सर ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो आपसे कराया जाएगा जबरदस्ती, तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? अब हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए, हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। भाई देखिए, मैंने आपसे आपके एक प्रश्न का जवाब, एक सवाल सर, कि वो कह रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरदस्ती कराया जाएगा। तो सब शाम को देंगे। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा।